नगर पालिका में इंजीनियर के स्थायी रूप से पदस्थ न होने के कारण ठेकेदार को काम करने में समस्या आ रही है। ना तो ठेकेदार नया काम कर पा रहे हैं और ना ही उनके पुराने काम का भुगतान हुआ है। इन्हीं सब कारणों के चलते ठेकेदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और इंजीनियर को स्थायी रूप से पदस्थ करने की मांग की। मामला परासिया नगर पालिका का है, जहां पिछले कुछ समय से इंजीनियर स्थायी रूप से पदस्थ नहीं है, जिस वजह से ठेकेदारों को काम करने में समस्या आ रही है। ना तो नगर में कोई विकास का कार्य हो पा रहा है और ना ही काम पहले हो चुके उसके बिल का भुगतान हो पा रहा है। इन्हीं सब समस्याओं के चलते ठेकेदारों ने नगर पालिका अध्यक्ष व सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ठेकेदारों ने मांग की है कि इंजीनियर को स्थायी रूप से पदस्थ किया जाए, जिससे कोई भी विकास का काम ना रुके। वहीं ठेकेदारों की समस्या पर नगर पालिका अध्यक्ष विनोद मालवीय ने कहा कि जल्द ही इंजीनियर को स्थायी रूप से पदस्थ किया जाएगा और सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आज नगर पालिका से संबंधित सारे जो ठेकेदार हैं, उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया है कि एक स्थायी इंजीनियर नगर पालिका होना चाहिए और उनका कहना भी सही है। पूरे शहर के लोक निर्माण संबंधी या निर्माण कार्यों संबंधित कार्य नहीं हो पा रहे हैं, उसके लिए एक स्थायी इंजीनियर की व्यवस्था नगर पालिका में होना चाहिए। मैं सभी ठेकेदारों को आश्वासन दिया हूँ कि जल्द ही नगर पालिका में एक स्थायी ठेकेदार और स्थायी इंजीनियर होगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।